चलिए जानते हैं 15 दिसंबर यानी आज का इतिहास। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप के पास 90 शरणार्थियों को ले जा रहे एक नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से 48 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 2008 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवादी वारदात से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज ही के दिन 15 दिसंबर को 2007 में पाकिस्तान में आपातकालीन नागरिक कानून लागू किया गया था। 2005 में आज ही के दिन इराक में नई सरकार के गठन के लिए मतदान संपन्न हुआ था। 2003 में आज ही भूटान सरकार ने अपने यहाँ सक्रिय भारतीय अलगाववादियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की थी। 15 दिसंबर यानी आज ही के दिन 2001 में इटली में पीसा की झुकी मीनार को 11 साल बाद बंद रहने के बाद दोबारा खोला गया था। 1997 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान, वाहन या दफ्तर पर उग्रवादियों द्वारा किए जाने वाले विस्फोटकों को गैर कानूनी घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1995 में यूरोपीय यूनियन के नेताओं में समग्र एकीकृत यूरोप की मुद्रा यूरो के लिए सहमति हुई थी। 1993 में जेनेवा में गैट विश्व व्यापार समझौते पर 126 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1976 में आज ही न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ समोवा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आज ही के दिन 1965 में बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आए चक्रवात में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वेरदून में हुई लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया था। 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की आज ही के दिन स्थापना हुई थी। आज ही 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।